Everyone, how are you all? Welcome to my channel Nutrivision. I hope you are doing fine. Today in this video, हम लोग laxative के बारे में discuss करेंगे. I know some of you might not be familiar with the word laxative. वो क्या होता है? Normally जब हमें constipation या mainly constipation जब होती है, heart stools जब होती है, किसी का अगर chronic constipation है या acute constipation है, they use laxative. सो दैट उनका जो स्टूल होता है वो सॉफ्टर हो एंड इट फ्लोज प्रॉपरली. सो लैक्सिटिव यूज करने से ऑफकोर्स कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी दूर हो जाता है, बट उसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स भी है एंड उसका क्या क्या आपका हेल्थ बेनिफिट्स या आपका साइड इफेक्ट के साथ कैसे आप बॉडी को मैनेज कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो. सो लैक्सिटिव मेनली होता क्या है? लैक्सिटिव एक टाइप ऑफ बल्ब को एंड स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपके जो कॉन्स्टिपेशन है उसको उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है एंड इट इज अ वेरी टेम्पररी ट्रीटमेंट. एंड किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो वो लैक्सिटिव लेते हैं टू मेक देयर स्टूल सॉफ्टर. सो टूडे आई विल टॉक अबाउट दिस. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैक्सिटिव. फर्स्ट लैक्सिटिव विच आई विल टॉक अबाउट इज योर बल्क, जो बल्क स्टूल को जो सॉफ्ट करता है वो लैक्सिटिव के बारे में, दैट इज इसबगुल. इसबगुल के बारे में आपने सब सुना ही होगा. इसबगुल इज नोन ऑल्सो साइलियम हस्क, इंग्लिश में बोलते हैं. एंड इसबगुल नॉर्मली हम लोग लेते हैं किसी का अगर सुबह उठकर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, दे टेक इसबगुल. वेरियस काइंड ऑफ लैक्सिटिव. फर्स्ट इज आपका जो बल्क फॉर्मेंट है वो है इसबगुल, दैट इज साइलियम हस्क. सेकेंड यू हैव ए स्टूल सॉफ्टनर विच इज कॉल्ड क्रेमाफिन. क्रेमाफिन वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्टूल सॉफ्टनर लैक्सिटिव. एंड ऑल्सो देर इज ऑस्मोटिक लैक्सिटिव. ऑस्मोटिक लैक्सिटिव के लिए है नॉर्मली लैक्टुलोज. एंड नॉर्मली जो स्टूल सॉफ्टनर एंड ऑल्सो लाइक सलाइन लैक्सिटिव, दैट इज डल्कोलॉक्स. डल्कोलॉक्स है आपका जो सलाइन एंड ऑल्सो ऑस्मोटिक लैक्सिटिव है. So these are the various kind of laxatives. Move forward to the common side effects of overuse of the laxative. अगर आप laxative overuse कर रहे हो या फिर you are using it not properly as the doctor advised, आप खुद खरीद के आप use कर रहे हो, there can be many issues. Like first I will talk about gastrointestinal issues, जो है abdominal discomfort या bloating या gas का issues, ये सब हो सकता है. Abdominal pain हो सकता है. So properly doctor advice से आप laxative use कीजिए किसी को अगर chronic constipation. Second problem is diarrhea or dehydration. Sometimes overuse या misuse of laxative leads to diarrhea. आप बहुत मतलब stool soft हो जाते हैं and उससे diarrhea का problem हो जाता है and diarrhea होने से dehydration is relatively linked to it. Also third problem is reduced bowel movements. Bowel movements reduce हो जाते हैं prolong अगर हम लोग laxative use कर रहे हैं, हम लोग उस पर dependent हो जाते हैं and उसके बिना we do not tend to do bowel movements. So जब तक हम लोग वो नहीं लेते, bowel movement proper तरीके से नहीं होता है, that is a psychology dependent हो जाता है. So prolonged use of laxative आप use ना करें, उसको उस time period के लिए use करें जब तक आपका उस problem का हल ना हो. जब हो जाए आप उसको छोड़कर try to make it a normal day as a normal usage, जैसे normal bowel movements होता है, try to do as long as that. And also mainly क्या होता है, जब डायरिया होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है उससे. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब पीएच, जो बॉडी का वाटर बैलेंस है वो बिगड़ जाता है बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द वाटर फ्रॉम द बॉडी गेट्स मतलब वो निकल जाता है एंड उससे आप डिहाइड्रेटेड फील करते हो. यू फील नॉशिया, यू फील वॉमिटिंग सॉर्ट ऑफ फीलिंग. सो ये सब थोड़ा थोड़ा साइड इफेक्ट्स होता है. एंड ऑल्सो देर इज वन ऑफ द मेन साइड इफेक्ट इज ऑल्सो लाइक रेक्टल इन्फेक्शन. बहुत कंटिन्यूस अगर आप प्रोलॉन्ग मेडिकेशन ले रहे हो या प्रोलॉन्ग लैक्सिटिव ले रहे हो तो रेक्टल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं एंड दैट कैन बी अ मेजर साइड इफेक्ट ऑफ योर लैक्सिटिव. नॉर्मली साइड इफेक्ट्स तो मैंने आपको एक ब्रीफ में डिस्कस किया है. How to manage with it? Manage कैसे करेंगे? आपको अगर chronic constipation या recurrent constipation का आपको cause है या आपको बीमारी है, what I will suggest, start with a small dose first. आप small dosage से start कीजिए, धीरे धीरे आप उस dosage को बढ़ाइए जैसे जैसे body उसको adapt करती है. आप पहले ही ज्यादा dosage मत लीजिए. Continuously have enough water. Hydration is the key. एनअफ वाटर लीजिए. जब भी डायरिया हो या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, एनअफ वाटर लीजिए, ल्यूकॉम वाटर लीजिए. दैट विल हेल्प इन सॉफ्टर बबल मूवमेंट एंड प्रॉपर बबल मूवमेंट को हेल्प करेगा. एंड ऑल्सो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको परसिस्ट कर रहा है या ऐसा कुछ साइड इफेक्ट जो जो मैंने आपको बताया, ये साइड इफेक्ट आपको हो रहा है, आप प्लीज कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कोई सलाह लीजिए. गेट एडवाइस, गेट सजेशन फ्रॉम देम एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट प्रॉपरली. डू नॉट ओवर यूज और डू नॉट मिस यूज लैक्सिटिव बिकॉज सी लैक्सिटिव इज अ वेरी कॉन्स्टेंट एंड इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. ऑफकोर्स वो एक इफेक्टिव रेमेडी है बट इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. परमानेंट सोल्यूशन आपके डाइट, आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड आपके एक्सरसाइज, आपके स्लीप, फुल आपका जो हेल्थ रूटीन है उससे परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा. सो प्रॉपर डाइट मेंटेन रखिए, वाटर इंटेक कीजिए, अच्छे से 7-8 घंटे का स्लीप लीजिए. आप देखना,
आपका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्टाइल है, धीरे धीरे चेंज होने लगेगा एंड यू विल फील लाइटर, यू विल फील मच हेल्थियर. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स. आई विल कम अप विथ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑन हेल्थ, ऑन फिटनेस, ऑन डाइट. थैंक यू, बाय.